सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और गाइस आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई आ ये ब्रूड मदर बात कर रही है क्या? चुप है, इंट्रो दे रहा हूँ ना, इंट्रो दूंगा उसके बाद बात करना, ठीक है? हाँ ठीक है, समझ गई गाइस। तो गाइस आप सबका स्वागत है मेगा मॉडर्न सीरीज के एक और नए एपिसोड में। और गाइस पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने गाइस यहाँ पे देखा होगा कि हमने जो है ना गाइस यहाँ पे एक गोरिल्ला बॉस की बैंड बजा के रख दी थी हमारी ब्रूड मदर से। वो अलग बात है कि उस गोरिल्ला बॉस ने भी हमको बहुत मारा यार, लेकिन एंड में मैंने अपना जो पाव किलो का दिमाग है उसका इस्तेमाल करा, बीच में इंट्रो मार रहा है, डिस्टर्ब कर रही है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहे, चुप बैठना भाई थोड़ा ब्रूड मदर। तो गाइस एंड में हम लोग ने उस बॉस को मारा था, और उस बॉस को मारने से भी क्या क्या चीजें मिली है मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे हो गए चैनल पे, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एनी और हमारे व्लॉगिंग चैनल का। सो दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन गाइस अनलॉक है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके चुप बैठेगी बेटा तू, चुप बैठेगी, चुप ना भाई, चुप बैठना जरा। तो गाइस नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे जो ना गाइस क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में आपको थैंक्स का बटन दिख जाएगा। बाकी आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट पीसी, माइनक्राफ्ट मोबाइल, माइनक्राफ्ट भाई जावा बेडरॉक वर्जन, या फिर कोई भी गाइस रस्ट गेम लो, या कोई भी पीसी गेम या मोबाइल गेम लो भाई, आपको उसके सर्वर बना के अपने फ्रेंड्स के साथ अगर खेलना है तो नीचे निट्राडो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग जो है ना गाइस वो सर्वर बना सकते हो। एंड गाइस वो सर्वर जो है ना अगर आप नीचे दिए गए लिंक से बनाते हो तो आपको मिलेगा एकदम खतरनाक सा डिस्काउंट। तो जरूर से चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर्स को नीचे दिए गए लिंक से। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अभी आज का जो एपिसोड है वो शुरू करते बिना किसी देरी के, और मचा डाल दे एकदम उल्टो। तो भाई ना मेरे भाई, ए मार रहे क्या, फट दे। चलो भाई बिलियन में डैमेज दे दी हमारी ब्रूड मदर, ठीक है? कम नहीं समझना हमारी ब्रूड मदर को। हाँ बस बस, अरे बस कर, अरे मर गए, अरे मर, अरे मर मर गए, मर गए, कोई ना कोई ना कोई ना भाई, एकदम इमोशनल हो गई थी बेचारे। चलो अभी घर पे चलते हैं। और एक मिनट रुक जाओ, इसकी पेटी में क्या है? ओ बॉस को मार के क्या क्या चीज़ें मिली वो मैं आपको दिखाने वाला था ना, वो चीज़ें तो मेरे इन्वेंटरी में, इसकी पेटी में कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो हम लोग चलते गए सीधा घर पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रूड मदर बॉस को मारने से, ब्रूड मदर ने एक्चुअली में उस गोरिल्ला बॉस को मारने से मुझे क्या क्या चीज़ें गाइज यहाँ पे मिली थी। मुझे काफ़ी ओपी वाली चीज़ें गाइज वैसे मिली है, मैं आपको बता दूँ गाइज, ठीक है? काफ़ी खतरनाक वाली चीज़ें मिली है। तो गाइज ये देखना, सबसे पहले मुझे मिला है यूज़र यूबेर हेड पैक्स, इनको अगर कंज्यूम करूँगा तो हर एक बॉस का खोपड़ी मेरे को मिल जाता है। ब्रूड मदर, डोडोरेक्स, डोडो वाइब्रेंट ड्रैगन एंड मैंडिकोर, तो ये पैक मिला। उसके बाद मुझे 10 गोरी लाइसेंस मिले, इनसे हम क्या करने वाले हैं आपको पता चल जाएगा आज। उसके बाद मुझे एक मेगापिथिकस का सैडल मिला, एंड और कोई चीज़ जो है ना गाइस इम्प्रूव्ड मेगापिथिकस सैडल जिसका 3000 आर्मर, ओ मैन खतरनाक खतरनाक गाइस, ठीक है? तो गाइस अभी जो इसेंस है ना गाइस उनसे हम लोग क्या करने वाले बताएं, मेरे को पहले नीचे जान दो। और नीचे अपन लोग क्या करेंगे बताएं, इन इसेंस की यहाँ पे खेती बाड़ी कर डालेंगे, ठीक है? इनको यहाँ पे लगाएंगे, ज़्यादा मेरे को इसेंस नहीं चाहिए यार ये भाई, मतलब यहाँ पे खेती बाड़ी चल रही है ना उस रीज़न से भाई सर्वर भाई बहुत ज़्यादा भाई दिक्कत देता, ठीक है भाई? क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें गाइस यहाँ पे मैनेज करनी पड़ती पूरे सर्वर को, तो बफर ओवरफ्लो हर बार होता है गाइस जब भी गाइस अपन सर्वर में घुसते भाई, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जो है ना गाइस ज़्यादा गाइस ये ट्रॉफीज भाई नहीं करूँगा, लगभग भाई 50 साइड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करने वाले। तो गाइस आज हम लोग जो बॉस हम मारे थे पिछले एपिसोड में, उस बॉस का टेमेबल वर्जन बनाने वाले अगर हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो, ठीक है? तो गाइस सबसे पहले मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे अंदर डालने दो, ये सारी चीज़ अंदर डाल दी, ये सैडल में डालूंगा नहीं क्योंकि ये सैडल इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है? और मैं नॉर्मल वर्जन वाला सैडल यूज़ कर लूँगा गाइस उस बॉस को बनाने के लिए, ठीक है? सो ये चीज़ें डाल दो। उसके बाद गाइस कहाँ पे चला गया वो, मुझे इनग्राम अनलॉक करने पड़ेंगे। इनग्राम अनलॉक का काम हो चुका है, तो स्पॉनर सिलेस्टियल एंड ये रहा गाइस वो बंदर, इसका नाम है बोकिटो स्पॉनर, ठीक है? इसके लिए मुझे बोकिटो, अरे भैया मुझे बोकिटो का वो बनाना पड़ेगा, कूर बनाना पड़ेगा बोकिटो सर जी का। सो बोकिटोस को ये वाला चाहिए आर्टिपॉक, क्लेवर कनिंग हंटर स्ट्रॉन्ग, क्लेवर कनिंग हंटर स्ट्रॉन्ग, क्लेवर कनिंग हंटर स्ट्रॉन्ग, क्लेवर क्लेवर
कनिंग हंटर एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो अपने पास पड़ा हुआ है बेटा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ये वाला स्ट्रॉन्ग ही तो है ना। हाँ हाँ मेरी जान, चलो ना मेरे भाई। गाइज बोकिडो इजीली बन गया गाइज, बोकिडो का जो कोर था ना गाइज वो इजीली बन गया, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने पहले भी जो ना गाइज काफ़ी सारे जो आर्टिफैक्ट डाल के रखे थे उसमें वो बचे हुए थे, तो उसमें से कुछ आर्टिफैक्ट हमारे काम आएंगे और बोकिडो का कोर बन गया। बोकिडो बनाने के लिए भी गोरिला इसेंस और मेगापिथिकस सैडल चाहिए, तो मैं मेगापिथिकस सैडल यहाँ पे बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसका आर्मर तगड़ा है। इसका आर्मर गाइज 90 जो अभी मैंने बनाया, और मेरे पास जो है गाइज उसका 3000 आर्मर है, तो आप समझ ही सकते हो कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक सैडल है। और अभी मैं नीचे जाके जो हमने गोरिलाज के इसेंस यहाँ पे बनाने के लिए डाले थे वो इसेंस सारे ले लूँगा, इतने इसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसको टर्न ऑफ कर दूंगा। कुछ इसेंस में सेव जो है ना गाइज एक बक्से में रख देता हूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे जो है ना गाइज वो इसेंस मतलब मैं उन इसेंस का यूज कर सकूँ, ठीक है। तो उनको मैं भाई थोड़ा संभाल के यहाँ पे रख दूंगा, लगभग 10-20 इसेंस भाई, ठीक है चलो। एंड बाकी इसके अंदर डाल दो गाइज यहाँ पे इसेंस, और स्पॉनर सिलेस्टियल बन गया ना पोकीटो मेरे भाई, टर्न ऑफ कर लेते हैं। गाइज हमारा बॉस बन गया गाइज, देख रहे हो इजी पीजी ना मेरे भाई। थोड़ा सा गाइज रिस्क अभी तक है, पता नहीं है गाइज कि ये सच में यहाँ पे टेमेबल वर्जन या बॉस वर्जन है। तो गाइज थोड़ा सा घर से अगर दूर जाके उसको स्पॉन करूँगा तो वही मेरे हिसाब से गाइज सही रहेगा, इसलिए घर से थोड़ा सा दूर चलते और वहीं पे गाइज स्पॉन कर लेंगे हम लोग। ओके भाई प्राइम भी हमारे गीगा कुछ ज़्यादा स्पॉन हो रहे हैं, हाँ अब वहीं पे चलता हूँ जहाँ पे हर एक बॉस को मैं स्पॉन करता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग जो ना गाइज हमारे गोरिल्ला को भी स्पॉन कर लेंगे, ठीक है। रेडियो गाइज कर ले गोरिल्ला को स्पॉन गाइज, भाई लाइक कर देना गाइज स्पॉन करने से पहले, ठीक है चलो 1 2 3 ना मेरे भाई। आए हाय एक है भाई, अच्छा दिखने में सेम टू सेम, अरे हाँ भाई खतरनाक लग रहा है यार, मुझे लगा टट्टी निकल गया। वैसे गाइस वो जो हम बॉस मारे थे वो टेक वर्जन था, उसकी पूरी बॉडी अगर आपको ठीक से याद है तो वो टेक की बनी हुई थी, लेकिन इसकी बॉडी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी बॉडी नॉर्मल बॉडी है, और इसके ऊपर भी सेम वैसी कैनन्स लगी है, और पूरे बॉडी पे सेम वैसे ही जो ना गाइस आर्मर लगा हुआ है गाइस। हाँ वो जो बॉस था ना गाइस जिसको हमने मारा वो टेक वर्जन था, खाली टेक वर्जन मतलब उसकी पूरी बॉडी, जैसे हमने भाई वो रोबोट वाला वाइब्रेंट नहीं मारा था वैसे वो रोबोट वाला गाइस बॉस था, और हमको जो मिला है टेमेबल वर्जन वो नॉर्मल वर्जन है, रोबोट वाला वर्जन नहीं है। अच्छी बात है, चलो नो प्रॉब्लम हो। इसके ऊपर गाइस हम लोग सैडल भी लगा देते 3000 आर्मर वाला, और थोड़ी लेवल अप कर देते 400 800 2 बिलियन कर दूंगा, ज्यादा नहीं भाई 2 बिलियन, बस 2 बिलियन हो गया, 2 बिलियन हेल्थ हो गया भाई, 2 बिलियन इजीली हो जाएगी भाई, 200 मिलियन। अरे थुए तेरी जिंदगी पे, मेरे को लगा 2 बिलियन हेल्थ हो गया इसका, हैं व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो। हाँ चलो अभी भाई 1 बिलियन तो एटलीस्ट हो जाएगा भाई, क्या गुंडा बनेगा रे तू, कितना लेवल है भाई, 3000 लेवल का ही है। मुझे लग रहा है ब्रूड मदर ही सबसे ओपी है यार, अरे जहां से हम चलेंगे वहां के पत्थर टूट जाएंगे। अरे अरे बेटा चल भाई, तेरे भाई का क्या क्या गाइस, हाँ हाँ हेलो ये ला रहा है जलवा है जलवा भाई, ऐसा वैसा गोरिला नहीं है गाइज, ऐसा वैसा गोरिला नहीं, लुक तो देख लो गाइज, गोरिला का लुक देखना भाई, एकदम खतरनाक सी प्लाज्मा कैनन गाइज इसके भाई पीठ पे लगी हुई है। अटैक दिखा देता हूँ चलो, पंच मारने वाला अटैक लेफ्ट क्लिक पे, पत्थर फेंकने वाला अटैक नॉर्मल पत्थर नहीं, आग का गोला दे शोला और उसके भाई 5 टुकड़े होके नीचे गिरेंगे और धरती फाड़ डालेंगे। ये है गाइज अपना अटैक गाइज, भाई अटैक्स तो एकदम खतरनाक है, सी पे चिल्लाता है और चिल्ला के गाइज अपने छोटे मिनी वर्जन वाले गाइज नन्नू मुन्नू से गोरिलास को बुलाता है, और इन गोरिलास को इवन में चला भी सकता हूँ। कितना सेकंड के लिए आते हो सर आप, 40 सेकंड के लिए आओगे। अरे यार ऐसा करोगे भाई, भाई भाई चलान दो ना यार, चलान दो, चलना तेरे को लेके चलता, हाँ लेके चलू तुझको, पर 30,000 का डैमेज देगा। अच्छा हाँ तेरे अटैक कौन से भाई, तू भाई ऐसा पत्थर फेंक सकता, गोल गोल रिंगा रिंगा रोजेस, और क्या कर सकता भाई तू, अच्छा इतना ही कर सकता है क्या तू, बस बस यही कर सकता है तू, ठीक है। लेकिन काफी बढ़िया गाइस, इसका भी लुक देख लो गाइस, इसके मिनियन का पूरे बॉडी पे जो ना गाइस भाई लग रहा है गाइस एकदम खतरनाक खतरनाक एकदम खतरनाक वाला आर्मर पहन रखा है
भाई बस इसके हाथ पैर और थोबड़ा बाहर निकले, बाकी पूरी बॉडी इसके आर्मर से ढकी हुई है भाई। भाई लुक वाइज ये वाला पे, ओ इसकी एक आंख फटी हुई है और एक नॉर्मल आंख है भाई। आओ क्या हुआ? अच्छा टाइम निकल गया, 40 सेकंड का टाइम था, 40 सेकंड में गाइस वो डिस्पॉन हो जाते हैं, मिनियन थे तो डिस्पॉन हो गए। बाकी कैसे लग रहा है, कैसे हमारा है बॉस? हाँ इस बॉस के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है ना गाइस, कर डालो फिर, कर डालो यार लाइक कर डालो गाइस। और कौन सा अटैक है? सी वाला देख लिया, एक्स वाला अटैक, रिंगा रिंगा रोजेस गोल गोल घूमने वाला अटैक, ठीक है चलो। और कोई अटैक है तेरे पास क्यूब पे? डैम बॉय, ओके हवा में मैंने एक पीटी भी मार, अरे बाप रे जलवा तो है भाई इस गोरिल्ला का। भाई गोरिल्ला में दम तो बहुत ज्यादा है यार, मेरे को लग रहा है भाई सबकी फाड़ के रख देगा ये गोरिल्ला। डैमेज देगा बेटा, डैमेज देगा तेरे को, मैक्स लेवल करता रुक, मैक्स लेवल करने के लिए जिंदा बचना चाहिए, दो मिले तो इतने डैमेज दे रहा है, डैमेज मायने नहीं रखता। मुझे इसका लुक काफी ज्यादा पसंद आया गाइस, ठीक है मैं गेम का आवाज को मैं कम कर लेता हूँ क्योंकि इसके भाई दौड़ने का आवाज कुछ ज्यादा ही लाउड है। ठीक है आ जा भाई, चेप डाल भाई सबको, चल चल मेरे बाबड़ी, 2 मिलियन खड़े क्या हम उसे पंगा लोगे? पत्थर फेंक के मार इनको, पत्थर गया नहीं क्या मेरा? मार कैसे रहो रे, मार रहे यार, एक काम कर ले मिनियन को बुला ले, मिनियन संभाल लेंगे, जाओ रे संभाल लो, हाँ मेरी जान, ठीक है पत्थर फेंक। अरे कैसा गलीची है भाई बॉस, तू पत्थर ना फेंक पा रहा, कोपचेवाड़े में लेता बॉस को। अरे बॉस आ गया, हाँ वापस से बाहर निकालता हूँ, पत्थर फेंक अभी भाई, पत्थर फेंक, हाँ हाँ मेरे भाई, ये ले भाई, हाँ उसको मारू, मैं उधर मार देता हूँ। अरे भाई साहब पत्थर फटने से तो सबकी फट गई यार, चलो रुको मैं इसको मैक्स लेवल कर देता हूँ, एंड इसकी 1 बिलियन हेल्थ कर देने। भाई अपने मिनियन गाइस वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं अकेले, उनको लड़ने दो, हम लोग तब तक जो है ना गाइस संभाल लेंगे इजीली, अपन लोग संभाल लेंगे। ये लो 1.1 बिलियन गाइस हेल्थ यहाँ पे इसकी हो चुकी है, 1.2 बिलियन हेल्थ हो चुकी है, नॉट 1.1 बिलियन। किसने मारा तेरे को? स्टेगो मार दे मेरे मिनियन को और मैं देखता रहूंगा। 1.2 बिलियन हेल्थ है गाइस हमारी गोरिल्ला की, गोरिल्ला और जरा उधर रॉकेट छोड़ ना भाई, रॉकेट छोड़ इसके ऊपर, अरे थोड़ा आगे चला गया, अरे रॉकेट तेरा, हाँ इधर कर, इधर छोड़ भाई, इसका कैसा रॉकेट है रे तेरा ये फालतू, तो भाई जहाँ एम कर रहा वहां लग ही नहीं रहा, हाँ लगा 4 लाख का डैमेज। अरे डरते है क्या, मिनियन भी बुला लिया, ले ले भाई रिंगा रिंगा रोजेस, डैमेज कितना दे रहा है मैं? अरे मेरे को तो मारने दो, 2 लाख 2 मिलियन मात्र। ऐसे गोरिल्ला का डैमेज मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया यार, ये जो गाइस पत्थर फेंक रहा है ना, उस पत्थर वाला अटैक का डैमेज 21,000 जा रहा है, इसका गाइस राइट क्लिक वाला जो भाई पंच मारने वाला अटैक है उसका 4 मिलियन डैमेज जा रहा है, अनफॉलो कर ले। उसके बाद उसके पास और कौन सा अटैक है? सी वाला अटैक है ना, जो कि मिनियन का है, मिनियन का तो डैमेज 20-30 हज़ार जा रहा है, एक्स वाला अटैक गोल गोल घूमने वाला 4 मिलियन डैमेज, और उसके बाद इसके पास जेड वाला कोई अटैक बिटैक कुछ नहीं है, क्यू वाला अटैक है उसमें रॉकेट छोड़ता है जिसका 1.5 लाख डैमेज जा रहा है, मतलब ये डैमेज के मामले में ब्रूड मदर से ज़्यादा ओपी कोई भी नहीं है, ये तो आप लोग मान ही सकते हो गाइस यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए, तो ब्रूड मदर अपने एकदम ओपी है भाई, उसका मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा भाई। ये लीडी बीडी बीडी शीडी शीडी आए है क्या कोई? कौन है बॉस? ये कौन बॉस आया भाई यहाँ पे? जेब डालेंगे बाबा। अरे ये क्या कर लेगी, भले ही भाई वो पानी में हो भाई, अरे रॉकेट से कैसे बच पाएगी? हेलो भाई मैं अपने रॉकेट से मार रहा हूँ इसको, खाली रॉकेट से मार रहा हूँ गाइस, ये लो फट गई भाई रॉकेट से, फट गई गाइस, ऑलमोस्ट फटने वाली है, मरने वाली है ऑलमोस्ट गाइस, गई समझ लो ये, अबे एंड में एक फटका मारना पड़ेगा लग रहा, मर गई गाइस, खत्म, खतरनाक
वैसे गाइस ये गोरिल्ला तो है ओपी दिखने में, अटैक भी इसके पास सॉलिड है, डैमेज गाइस उतना ज्यादा नहीं है। बाकी आप बताना गाइस आपको गोरिल्ला कैसे लगा भाई, देख रहे हैं नजदीक जाते हर एक पत्थर टूट रहा है, मजाक हो रहा है क्या? आपको कैसे गोरिल्ला कैसे लगा जरूर बताना यार मुझे नीचे कमेंट मार के, ठीक है? मतलब 1 से लेकर 10 तक रेटिंग देना इसको, ठीक है गाइस? मार दे इसको, मार मार मार, खतरनाक खतरनाक। 1 से लेकर 10 तक रेटिंग देना। 1 अबे अंडा दे दिया इसने तो, हाँ ठीक है। 1 मतलब गाइज एकदम घटिया, 10 मतलब एकदम ओपी गाइज। तो आपको ये जो गोरिल्ला है डैमेज बस खाली भाई मतलब दिमाग में रख के रेटिंग नहीं देना, इसका अटैक, इसका लुक, इसके मिनियन का लुक और उनके अटैक वो भी गाइज ध्यान में रखना। और आपको बताना गाइज मेरे को कि मतलब ये गोरिल्ला जो ना गाइज वो आपको कैसे लगा गाइज, ये खतरनाक वाला गोरिल्ला, ओके? और इसको कितना पॉइंट आप दोगे भाई? मार तो रहा है गाइज, मैक्सिमम डायनोस को मार तो सकता है बट डैमेज उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है? डैमेज उतना ज्यादा नहीं है। अरे भाई साहब चेप डाला भाई, चेप डाला, मजाक हो रहा है क्या ब्रो? अरे तोड़ी ना को फोड़ी ना को, रे बेटा ये लोग भाई मेरे को ब्लीडिंग ब्लीडिंग अटैक दे ही नहीं पा रहे ना गाइज, ये लोग मेरे को ब्लीडिंग ब्लीडिंग अटैक नहीं दे सकते। और गाइज जहाँ पे जाऊंगा भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई डिस्ट्रक्शन ब्रो, भाई सबकी बाण बच जाती है, देखो हर एक चीज टूट जाती है गाइस, हर एक चीज टूट जाती है, मजाक हो रहा है क्या? ये कौन सा कलवा का लोंडा डोडोरिक से भाई? ये फ्लेम टेरर बर्ड है भाई, फ्लेम टेरर बर्ड सही है, चलो फ्लेम टेरर बर्ड भी सही है, चलो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्लेम टेरर बर्ड को भी अपन लोग टेम कर लेंगे फ्यूचर में। तो गाइस चलो फिर इसी के साथ आज का हमारा जो एपिसोड है हम लोग गाइस यहीं पे समाप्त नहीं कर लेते, क्योंकि मैं एक बॉस को जरूर मारूंगा। और मैंने ये देखा है कि मेरे घर के ऊपर एक बॉस स्पॉन हुआ है, अभी तक स्पॉन है क्या वो? नहीं गया क्या वो बॉस, गया क्या वो बॉस क्या क्या? अबे चलना की का, चिंदी चिंदी लोग आते यार, मुझे एक बॉस को तो मारना था, और बॉस शायद से गायब हो चुका है, रुको जरा टॉप पे चल के देखता कि बॉस अवेलेबल है कि नहीं, और पेड़ पीड़ में अटकने का टेंशन नहीं है यार, हाँ ये देखो भाई, ये देखो, अरे भाई इजीली भाई, इजीली इजीली निकल जाएंगे अपन लोग, पेड़ पीड़ में अटकेगा तो नहीं गाइस अपना ये गोरिल्ला, क्योंकि गोरिल्ला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला, मुझे नहीं लग रहा गाइस कोई बॉस बचाओ भाई, बड़े इससे ही पहाड़ चढ़ गया बड़े बड़े यार, बड़े बड़े पहाड़ तो इसी चढ़ गया, बाकी तो कोई बॉस गाइस दिखाई नहीं दे रहा खतरनाक वाला जिसको मैं मार सकूँ। अच्छा मैंटिया, अरे मैंटिया कैसा है रे मैंटिया, मेगा मैंटिया मेगा मैंटिया मेगा मैंटिया मेगा मैंटिया कैसा है, हाँ कैसा है, ये ले खा ले अटैक, खा ले अटैक, खा ले अटैक, खा ले दूसरा अटैक, नहीं चाहिए दूसरे दूसरा अटैक मेरे पास, ताज़ा ताज़ा ऐसा कोई अटैक तो, अच्छा ये वाला अटैक है ना, ये ले मेरा मैंटा भाई, मैंटा को पेल डालूंगा भाई, मैंटा को पेल दूंगा, रुको भाई भाई रॉकेट रॉकेट रॉकेट, हेलो मैंटा के ऊपर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा क्या? मार तो दूंगा इसको बट टाइम बहुत ज्यादा लगेगा लग रहा है, तो मार तो, अबे मैंटा ने मेरे मिनियन पेल डाले, सोच रहा हूँ इस मैंटा को मारने के लिए ना, मदार रुक जाओ मैंटा, तूने कभी दो दो बॉसेस से एक साथ भाई पंगा लिया बेटा? अरे यार इसके ऊपर यूज नहीं कर सकता मैं चाहे से, मैंटा चल तेरे को माफ कर देता हूँ मैं, मैंटा माफ 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 कर दिया भाई, अरे अबे तू तो सीरियस ले रहा है यार मैंटा, अपने भाई चिंदी वल्चर को बुलाएगा तू, वल्चर आर्मी को बुलाएगा भाई, चलना माफ कर दिया ना, नहीं मार पा रहा है भाई ये तेरे को, भाई क्या करूँ, मार देगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, काम कर ले मैंटा, मैंटा तेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, रुक ना तू भाई बहुत ज़्यादा उंगली कर रहा है मेरे को, रुक आता भाई आता, मैंटे के पास मैं वापस आ रहा हूँ भाई, मैं वापस आऊँगा मैंटा की मार के जाऊँगा, रुको रुको भाई रुको रुको रुको, मैंटा ने ज़्यादा ही चेप डाला भाई तेरे भाई को, भाई लास्ट लोकेशन किया कि मैंने घर पे टीपी मारा ये मेरे को पता नहीं गाइस, मैंने कहाँ टीपी मारा भाई,
अभी तक मार रहा है क्या तू, मतलब पीछा नहीं छोड़ेगा तू? गाइस रुको 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 भाई, अपना गाइस बंदर बॉस आपने देख ही लिया है ना, अभी गाइस ब्रूड मदर बॉस से इस मैंटा को मरते हुए देखना गाइस चुटकियों में। गाइस मैं ऐसे नहीं बोलता गाइस कि हमारी सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई बॉस है तो ब्रूड मदर बॉस है, मैं ऐसे नहीं बोलता गाइस। अभी आप उसका लाइव यहाँ पे जलवा देखोगे। ब्रूड मदर 10 सेकंड का टाइम है तेरे पास, 10 नहीं 15 सेकंड टाइम, 15 सेकंड में मैंटिकोर खलास। क्या गाइस 15 सेकंड में मैंटिकोर पूरा खलास, ठीक है 15 सेकंड काउंट डाउन चालू करो गाइस, रेडी हो काउंट डाउन चालू, ये लो मेरे भाई 15 सेकंड का टाइम है अपने पास, 15 सेकंड कितना हो गया गाइस टाइम बताओ, कितना टाइम हो गया, 10 सेकंड भी नहीं होएंगे मेरे हिसाब से तो भाई, 10 सेकंड भी नहीं हुए होंगे। ये लो भाई खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय सर, चल मर गया मैंटा, कल आना कल ठीक है, हीरो बनेगा बड़ा हीरो बनेगा भाई। इसेंस मिल गया क्या मैंटा का? हाँ मिल गया इसेंस मिल गया गाइस भाई, इजी पीजी पेल देता है यार, इजी पीजी पेल देती है भाई अपनी ये खतरनाक सी ब्रूड मदर। भाई ब्रूड मदर से ज़्यादा ओपी बॉस अभी तक हम लोग ने क्राफ्ट नहीं करा है कोई भी, लेकिन गाइज हमारा जो है ना गाइज बंदर भी किसी से कम नहीं है। तो गाइज हमारा आज का बंदर बॉस आपको कैसे लगा नीचे कमेंट मार के जरूर बताना। चलो तो फिर गाइज आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं और सीधा मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के आर्क मेगा मॉडल सीरीज के, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और इस बंदर के लिए अच्छे अच्छे नाम नीचे कमेंट में डालना नहीं भूलना। मिलते सीधा गाइस आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग।